हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक वुल्फ डॉग की कहानी जिसका बचपन बहुत मुश्किलों से भरा था और लाइफ उसे एक ऐसे एडवेंचर पर ले जाती है जहां वो तीन अलग अलग मालिकों का सामना करता है। तो ये कहानी अलास्का के जंगलों से शुरू होती है जहां हम एक छोटे से पपी व्हाइट फैंग को देखते हैं। फैंग असल में डॉग और वुल्फ के एक हाइब्रिड प्रजाति है और जंगल में अपनी मॉम किची के साथ रहता है। फैंग को एडवेंचर और एक्साइटमेंट बहुत पसंद है और इसी वजह से वो कई बार खुद को मुसीबत में डाल लेता है, लेकिन फिलहाल उसके पास किची जैसी मॉम है जो अपने बेटे की बहुत केयर करती है और उसे सिखाती है कि जंगल में अकेले कैसे सरवाइव किया जाता है। एक दिन उनका सामना कुछ दूसरे वुल्फ से होता है और किची तुरंत फैंग को लेकर छुप जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो लोग उन्हें देखते ही मार डालेंगे। जल्दी ही वहाँ स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है और वो दोनों वापस अपनी केव में आ जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक बॉब कैट वहाँ उनकी वेट कर रहा है और वो अचानक से किची पर अटैक कर देता है। फैंग भी छुपकर उनकी लड़ाई देखता है और तभी उस बॉब कैट की नज़र उस पर पड़ती है। वो फैंग को अपना शिकार बनाने की सोचता है पर किची बीच में आकर उसे मार डालती है और इसी चक्कर में खुद भी बुरी तरह घायल हो जाती है। अब वो शिकार नहीं कर सकती थी और उसकी लाचारी समझकर फैंग उसके लिए कुछ बेरीज तोड़कर लाता है। शाम को वो अपने लिए और खाना ढूंढने जाते हैं और तभी उनकी नज़र कुछ इंसानों पर पड़ती है जिनके पीछे वुल्फ्स का एक झुंड लगा हुआ है। पता चलता है कि ये ऑफिसर स्कॉट और उसका डिप्टी हैंक है जो जिम नाम के क्रिमिनल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। हैंक स्कॉट से उन वुल्फ को शूट करने को बोलता है, लेकिन स्कॉट किसी निर्दोष जानवर को नहीं मारना चाहता और डरा कर उन्हें भगा देता है। रात को वो एक जगह कैंप लगा लेते हैं और हम देखते हैं कि किची और फैंग भी खाने की तलाश में वहीं आ गए हैं। एक्साइटेड फैंग जल्दी से उनके करीब जाना चाहता है, लेकिन किची उसे दिखाती है कि वो वुल्फ का गैंग भी वहीं आया हुआ है। इधर जिम स्कॉट के नेचर का मजाक उड़ाता है और उसे वॉर्न करता है कि जल्दी ही मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगा और फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन स्कॉट को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हैंक अपने स्लेट डॉग्स को खाना देने जाता है और फैंग देखता है कि उसकी मॉम भी छुपकर उनके करीब चली गई है। हैंक भी उसे नोटिस करता है और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये घायल डॉग अकेले यहाँ क्या कर रही है। हैंक उसे उसकी तकलीफ से छुटकारा दिलाना चाहता है, लेकिन वो देखते हैं कि उसके साथ उसका एक पपी भी है जो देखने में किसी वुल्फ के जैसा है। स्कॉट तरस खाकर उन्हें कुछ खाने को देता है और यहाँ फैंग की नज़र उसकी चमकती हुई बेल्ट पर पड़ती है। फिर वो खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वुल्फ उनके पीछे लगे हुए हैं। तब किची उस खाने को दूर उछाल देती है और उनका ध्यान भटकते ही वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। फैंग की हालत देखकर किची को बहुत दुख होता है, लेकिन वो जानती है कि इस वक्त वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती और रात को उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। सुबह उन्हें नेटिव इंडियंस का एक कबीला दिखाई देता है जहाँ एक लेडी अपने डॉग्स को खाना दे रही है और ये दोनों भी उन्हीं की ओर बढ़ने लगते हैं। वुल्फ समझकर एक आदमी उन्हें शूट करने की सोचता है, लेकिन कबीले का लीडर ग्रे उसे रोक लेता है और कहता है कि ये तो मेरी खोई हुई डॉग किची है जो अपने टाइम की सबसे तेज स्लेट डॉग थी। उसके आदमी को लगता है कि घायल होने की वजह से वो किसी काम की नहीं है, लेकिन ग्रे को किची पर बहुत भरोसा होता है। तभी उनकी नज़र फैंग पर पड़ती है और ग्रे कहता है कि ये एक दिन दुनिया का सबसे अच्छा स्लेट डॉग बनेगा। रात को फैंग इस कैद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा पाता और अपना इरादा बदल लेता है। इधर ग्रे एक बार फिर किची को ट्रेनिंग देने लगता है और फैंग भी ये देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश करता है। फिर देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है और उधर किची भी एक बार फिर स्लेट डॉग्स को लीड करने लगती है। फिर एक दिन हैंक ग्रे से मिलने उसके कबीले में आता है और बताता है कि लोग आसपास के इलाके से गोल्ड माइन कर रहे हैं और इसीलिए मेयर इस जगह को बेचना चाहता है। ग्रे ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि अगर वो इससे भी ऊपर की ओर गए तो वहाँ उन्हें खाने पीने का कोई साधन नहीं मिलेगा। वो उसे इस जगह का प्राइस पूछता है और हैंक बताता है कि मेयर ने इसकी कीमत $450 लगाई है। ये सुनकर ग्रे इस जगह को खरीदने का प्लान करता है और कहता है कि हमारे लोग बहुत अच्छे ग्लव्स बनाते हैं और उन्हें बेचकर मैं मेयर को पूरे $500 दूंगा। हैंक भी ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसे प्रॉमिस करता है कि वो मेयर को इस डील के लिए जरूर मना लेगा। फिर ग्रे अपने लोगों से फर इकट्ठा करने को कहता है और बताता है कि अपना घर बचाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। फिर वो किची और बाकी डॉग्स के साथ फर इकट्ठा करने जाता है और देखता है कि फैंग भी उनके साथ आ रहा है।
रात को उससे मिलने एक विलियम नाम का आदमी आता है और कहता है कि तुम हमारे इलाके में शिकार नहीं कर सकते। ग्रे उसे अपनी प्रॉब्लम समझाता है और वो दोनों इसका कोई सलूशन ढूंढने लगते हैं। सुबह पता चलता है कि विलियम इसके बदले किची को पाना चाहता है और ग्रे के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। फैंग भी अपनी माँ के पीछे उसके साथ जाने लगता है, लेकिन वो गुस्से में उसे भगा देती है और ऐसा लगता है जैसे वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। ये देखकर फैंग उदास हो जाता है और तब ग्रे उसे समझाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी माँ की शैडो से बाहर निकलना होगा। फैंग उदास होकर वहीं बैठ जाता है और देखता है कि स्लेट डॉग्स उसे देखकर एग्रेसिव हो रहे हैं। तब ग्रे फैंग को बताता है कि ये डॉग्स तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते और अगर कीची की तरह तुम एक लीड डॉग बनना चाहते हो तो तुम्हें इन डॉग्स की रिस्पेक्ट हासिल करनी होगी क्योंकि ये सिर्फ डर की भाषा समझते हैं। फिर वो उसे अकेला बांधकर वहाँ से चला जाता है और फैंग देखता है कि वो स्लेट डॉग उस पर अटैक करने आ रहे हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करने लगता है और ग्रे देखता है कि अचानक से उनकी आवाजें आनी बंद हो गई हैं। तभी वो डॉग्स भागते हुए वापस आ जाते हैं जो बहुत ही डरे और सहमे हुए हैं और ग्रे समझ जाता है कि फैंग ने खुद को साबित कर दिया है। आगे हम उसे स्लेट को लीड करते हुए देखते हैं और ग्रे फर लेकर वापस कबीले की ओर जाने लगता है। वहाँ वो फर से ढेर सारे ग्लव्स बनाते हैं और ग्रे फैंग को लेकर उन्हें बेचने निकल पड़ता है। एक लंबा रास्ता तय करके वो फाइनली सिटी तक पहुंच जाते हैं और ग्रे देखता है कि गोल्ड की वजह से वो नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। वो जल्दी से ग्लव बेचकर वहां से निकलना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। डेक पर एक आदमी से उसकी बहस हो जाती है जो कबीले वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और ग्रे भी चुपचाप वहां से जाने लगता है। तभी भीड़ से एक स्मिथ नाम का आदमी बाहर आता है जिसे डॉग फाइट्स में बहुत इंटरेस्ट है और वो उस अकड़ू आदमी से ग्रे को सबक सिखाने को कहता है। ये सुनकर वो आदमी अपने डॉग को ग्रे पर अटैक करने को बोलता है, लेकिन एंड टाइम पर फैंग बीच में आ जाता है। ये देखकर स्मिथ की आंखें चमक उठती हैं और वो ग्रे से कहता है कि तुम्हारा डॉग एक बोन किलर है और तुम्हें उसे लड़ाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ग्रे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन स्मिथ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे ऑफर देता है कि मैं तुम्हारे इस डॉग को खरीदना चाहता हूँ। ग्रे इसके लिए मना कर देता है और उसे बताता है कि हम लोग यहाँ बस ग्लव बेचने आए हैं ताकि $500 देकर अपनी जमीन बचा सके। तब स्मिथ उसे बताता है कि यहाँ के लोगों के पास पहले ही बहुत से ग्लव्स हैं और तुम्हें यहाँ सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिलेगा। वो उसे फैंग के बदले $500 का ऑफर देता है, लेकिन ग्रे उसे धकेल कर वहाँ से निकल जाता है। स्मिथ इस बात से चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। ग्रे एक होटल में रात होने का वेट करता है क्योंकि वो जानता है कि ठंड में उसके ग्लव ज्यादा अच्छे से बिकेंगे। फिर देर रात वो दोनों मार्केट में जाते हैं जहां लोगों को उनका प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है और ग्रे के पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। स्मिथ भी अपने साथी कर्टिस के साथ उसे नोटिस करता है और कहता है कि अब मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो बहाने से ग्रे के पास एक ग्लव खरीदने जाता है और देखता है कि उसने सारे पैसे एक पर्स में रखे हुए हैं। फिर वो कर्टिस को इशारा करता है और वो धोखे से ग्रे के पर्स को चुरा लेता है। उधर पर्स ना मिलने से ग्रे परेशान हो जाता है, लेकिन उसके लाख ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिलता और वो उदास होकर रोड के साइड में बैठ जाता है। वहाँ स्मिथ एक बार फिर उससे मिलने आता है और कहता है कि अभी भी तुम अपनी जमीन को बचा सकते हो और ना चाहते हुए भी ग्रे फैंग को बेच देता है। स्मिथ और कर्टिस उसे अपने साथ ले जाते हैं जहाँ कर्टिस एक स्टिक से उसे बहुत मारता है और कहता है कि अब से ये स्टिक को देखकर तुम्हारी हर बात मानेगा। आगे हम स्मिथ को उसे डॉग फाइट में ले जाते हुए देखते हैं जहाँ कोई दूसरा डॉग उसके आगे नहीं टिक पाता और जल्दी ही फैंग वहाँ का फेवरेट बन जाता है। स्मिथ उसकी मदद से बहुत पैसा कमाता है और लोग फैंग को टेरर ऑफ यूकॉन बुलाने लगते हैं। आज भी वो एक ऐसी ही फाइट करने आया है जहाँ फैंग का मुकाबला दो डॉग से होने वाला है, लेकिन फैंग आज लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था और वो डॉग्स अटैक करके उसे घायल कर देते हैं। यही हम ऑफिसर स्कॉट को आते हुए देखते हैं जिसे इन गैर कानूनी फाइट्स की टिप मिली है और उसे देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो स्मिथ को वहीं रुकने को कहता है और बताता है कि तुम लोग एकदम जंगली हो गए हो और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो व्हाइट फैंग को चेक करने लगता है और तभी अचानक स्मिथ पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। वो अपने साथ फैंग को भी ले जाना चाहता है, लेकिन देखता है कि स्कॉट ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है और तभी दूसरे ऑफिसर्स की आवाज़ सुनकर उसे भागना पड़ता है।
अगली सुबह फैंग फिर से खुद को एक कैबिन में पाता है, लेकिन देखता है कि ये उसके पहले वाले पिंजरे से बहुत अलग है। बाहर उसे एक लेडी दिखाई देती है जो असल में स्कॉट की वाइफ मैगी है, और फैंग उसे देखकर वापस कैबिन में चला जाता है। फिर मैगी उसे कुछ खाने के लिए देती है और स्कॉट को बताती है कि ये कोई डॉग नहीं बल्कि एक वुल्फ है। स्कॉट उसे उससे दूर रहने को कहता है, लेकिन मैगी को लगता है कि उस बेचारे को हमारी मदद की जरूरत है। अगली सुबह वो उसे दोबारा खाना देने जाती है और फैंग भी समझ जाता है कि उसे इस लेडी से कोई खतरा नहीं है। फिर मैगी अपने गार्डन से एक पेड़ हटाने की कोशिश करती है और तभी वो देखती है कि फैंग सीधा उसी की ओर आ रहा है। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन पता चलता है कि फैंग तो पेड़ हटाने में उसकी मदद करने आया है। स्कॉट भी आवाज सुनकर बाहर चेक करने आता है, लेकिन देखता है कि फैंग उस पर गुर्रा रहा है। मैगी समझ जाती है कि ये सब स्कॉट की स्टिक की वजह से है, और उसे नीचे रखते ही फैंग नॉर्मल हो जाता है। यहाँ फैंग स्कॉट की बेल्ट को नोटिस करता है और उसे याद आता है कि इसी आदमी ने जंगल में उनकी मदद की थी, और ये देखकर वो स्कॉट से कंफर्टेबल हो जाता है। जल्द ही उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कर्टिस छुपकर ये सब देख रहा है। इधर आँख खुलने पर स्कॉट देखता है कि फैंग ने काफी सारे चिकन्स को मार डाला है, और मैगी समझ जाती है कि जरूर चिकन की फैंस कहीं से टूटी हुई है। वो फैंग को लेकर चिकन के केज तक जाती है और वहाँ बने होल को बंद कर देती है। फिर वो फैंग को केज के अंदर ले जाती है और कहती है कि हम सब लोग यहाँ मिलकर रहते हैं और तुम्हें भी इन चिकन से दोस्ती करनी होगी। वो एक घंटे बाद आने को कहकर वहाँ से चली जाती है, और इधर एक वुल्फ को देखकर उन चिकन की जान सूखने लगती है। स्कॉट को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैगी कहती है कि ये सब करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि जल्द ही हमारे बीच एक नया मेहमान आने वाला है। ये सुनकर स्कॉट बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि मैंने भी अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है और अब हम मेरे भाई के पास कैलिफोर्निया जाने वाले हैं ताकि फार्मिंग करके अपनी लाइफ आसानी से गुजार सके। तभी मैगी को फैंग का ध्यान आता है, लेकिन वो देखते हैं कि चिकन अब उसके दोस्त बन गए हैं और उन्हें इस बात से बहुत खुशी होती है। उधर कर्टिस स्मिथ को फैंग के बारे में बताता है और वो प्लान करता है कि मैं स्कॉट को मारकर अपने डॉग को वापस ले आऊंगा। कर्टिस एक पुलिस वाले के पंगे में नहीं पड़ना चाहता, और तब स्मिथ उसे बताता है कि ये काम तुम नहीं बल्कि कोई और करने वाला है, और वो भी हमारी तरह स्कॉट से बहुत नफरत करता है। आगे हम उन्हें एक पुराने वेयर हाउस में देखते हैं और पता चलता है कि ये यहाँ उस क्रिमिनल जिम से मिलने आए हैं जिसे स्कॉट ने जेल पहुँचाया था। इधर स्कॉट और मैगी वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, और स्कॉट देखता है कि फैंग हमेशा की तरह सामने बनी हिल्स को देख रहा है। वो उसे भी अपने नए एडवेंचर के बारे में बताता है और कहता है कि तुम भी हमारे साथ वहाँ बहुत खुश रहोगे, लेकिन फैंग के मन में तो शायद कुछ और ही चल रहा था। फिर स्कॉट वहाँ से घर की ओर वापस जाने लगता है, और तभी उसे सबक सिखाने जिम वहाँ आता है और कहता है कि आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो स्कॉट को हिट कर पाए, फैंग वहाँ आकर उसे दबोच लेता है और जिम दर्द से चीखने लगता है। वो स्कॉट से इसे रोकने की भीख मांगता है और स्कॉट उसे एक जोरदार पंच देता है। फिर वो लोग जल्दी से वापस घर आते हैं और पता चलता है कि स्मिथ वहाँ उनका वेट कर रहा है। स्कॉट उसे सबक सिखाने की सोचता है, लेकिन देखता है कि कर्टिस ने मैगी को बंदी बनाया हुआ है और वो उसके बदले फैंग को उनके हवाले करने को कहते हैं। फैंग भी स्टिक के डर से उनकी कोई मदद नहीं कर पाता, और स्मिथ स्कॉट को मारने आगे बढ़ता है। तभी अचानक फैंग उसकी स्टिक को छीनकर उसे तोड़ डालता है, और मैगी भी खुद को कर्टिस से आजाद करा लेती है। स्कॉट कर्टिस को रोकने में लग जाता है, और उधर स्मिथ भागता हुआ फैंग के कैबिन में जा पहुँचता है। फैंग उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन मैगी एंड टाइम पर आकर उसे रोक लेती है और फैंग वहाँ से बाहर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बाकी ऑफिसर्स ने आकर उन्हें पकड़ लिया है, और स्कॉट भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। मैगी नोटिस करती है कि फैंग का सारा ध्यान सामने वाली हिल्स में ही लगा हुआ है, और वो समझ जाते हैं कि ये इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये देखकर वो लोग उसे आजाद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी पुरानी लाइफ में वापस जा सकते हो। फैंग भी आंखों ही आंखों में उनका शुक्रिया अदा करता है और भागते हुए वापस जंगल की ओर चला जाता है। एक जगह आकर वो जोर से हाउल करता है जिसकी आवाज उसके कबीले तक भी पहुंच जाती है, और ग्रेस समझ जाता है कि फैंग अपने घर वापस आ रहा है। फिर हम विलियम और उसकी मॉम किची को देखते हैं, और वो भी अपने बेटे की आवाज सुनकर खुश हो जाती है।
एंड में फैंग वापस अपने लोगों की ओर निकल जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।